नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश भर में 6,535 नए मामले, 146 लोगों की मौत। कश्मीर से प्रवासी मजदूर चल पड़े हैं घर की ओर। मजदूरों के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 25 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 26 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से पीड़ित 146 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस दौरान कोरोना से पीड़ित 2,770 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,380 हो गई है, जिसमें से 41.60% यानी 60,491 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कुल 4,167 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 80,722 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 31,26,119 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 92,528 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। बीते दिनों में सबसे अधिक मामले 12 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 2,436 मामले, तमिलनाडु से 805, दिल्ली से 635, गुजरात से 404, आंध्र प्रदेश 287, राजस्थान 272, उत्तर प्रदेश 264, MP 194, पश्चिम बंगाल 149, असम 148, बिहार 143 और उड़ीसा से 102 नए मामले सामने आए। साथ ही कर्नाटक से 93, तेलंगाना से 66, केरल से 49, जम्मू और कश्मीर से 47, छत्तीसगढ़ से 39, उत्तराखंड से 32, हिमाचल प्रदेश से 20, झारखंड और मणिपुर से 7-7, त्रिपुरा और नागालैंड से 3-3 मामले और 1-1 नया मामला गोवा और अरुणाचल प्रदेश से सामने आया है। बीते दिन देश के 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, लद्दाख, पुडुचेरी, निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, दादर और नागर हवेली, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं। कश्मीर से कुछ प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की तरफ चल पड़े हैं और यह सफर लगभग 1700 किलोमीटर लंबा होगा। आखिर क्यों इन्होंने यह रास्ता चुना? क्या सरकार इनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रही थी? न्यूज़ क्लिक ने इनसे ही जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं न्यूज़ क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। I ask you, why don't I matter at all? Why can't you see me? In the middle of this pandemic, I also exist. A group of migrant laborers have left Baramulla in North Kashmir to somehow get back home to Mirzapur in Uttar Pradesh. हम लोग यहाँ फंसे हैं। हम लोग का ना यहाँ का सरकार कोई मदद दे रही है ना वहाँ का सरकार। हम लोग पैदल जा रहे हैं, 3 महीने से फंसे हैं। और जो लाया था हमारे गांव का था धोखेबाज, उसका नाम था बेचूलाल। हम लोग को फंसा दिया इधर। हेमंत साल कंपनी में थे, एयरपोर्ट में कोई हम लोग को सुविधा नहीं दिया। वहाँ एक बेला खाना खाते थे, एक बेला नहीं। और हम लोग को कैसे कैसे बाहर निकले, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ भी अभी पैदल चल रहे हैं। मोदी क्या, मोदी आके यहाँ देख रहा है, हम लोग पैदल चल रहे हैं, झक मार रहे हैं। मीडिया वाला है कि वो लोग के देश में खबर पहुँचा रहा है, और कौन हम लोग को पूछने वाला है? यहाँ का फौजी भी नहीं पूछता है। DC के पास जा 15 दिन से हम लोग चक्कर मारते मारते हम लोग का हालत बिगड़ गया। DC यहाँ का नहीं सुन रहा है। 1 मई से है बोलता है, ये कागज है, वो कागज, जा रहा है यहाँ, जा रहा है यहाँ, यहाँ का सब ऐसे ही हम लोग को फजूर का फंसा के रखा है। सोच रहा है मजदूर चला जाएगा तो काम कौन करेगा? हम लोग के मजदूर को जैसे काम चलता है, फिर भी हम लोग ये लोग पूरी सरकार के हम बोलते हैं, चलाए हम मरने से अच्छा है पैदल ही मरेंगे, कोई वो नहीं है। In the wake of the coronavirus story that has unfolded in India, it is very clear who are the people who don't matter at all. Subhash, मेरा नाम है और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला मिर्जापुर ग्राम लेड़ू के हैं। हम यहाँ 22 तारीख से लॉकडाउन जब से लगा है आए थे काम करने के लिए, और हम लोग 10-11 बंदे हैं। जब से लॉकडाउन लगा तब से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, अब हम पैदल जा रहे हैं घर।
कोई मदद नहीं कर रहा है, हम लोग का कोई मदद नहीं किया, जो कमाया था वही खा के हम लोग इधर 3 महीने से बैठे थे, जो कमाए थे वो परमिट दिया, बोला कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग जा सकते हो, लेकिन हम लोग को जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। डीसी के पास गए तो बोला कि यहाँ कागज जा रहा है, वहाँ जा रहा है, आप लोग जाओगे, टेंशन मत लो। बीजेपी सरकार से कोई मदद नहीं मिला है अभी तक, न कोई सुविधा मिला है। पैगाम क्या है, हम भूखे मर रहे हैं, पैगाम क्या है? वो खुद सरकार है, ऐसा शासन लगा रहा है, जिसको बीमारी है वो भी मर रहा है, जिसको बीमारी नहीं वो भी मर रहा है। कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन तो किया, पर यह फैसला प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बड़ी परेशानी के रूप में उभरा। यातायात के कोई साधन न मिलने पर मजदूर पैदल ही घर को चल पड़े। यह पलायन देश में अब तक हुए पलायनों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। भारत में पलायन के इतिहास और महत्व पर देखे इतिहास के पन्ने का यह नया एपिसोड वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन के साथ। जब कभी हिंदुस्तान में कोविड 19 पैंडेमिक का इतिहास लिखा जाएगा तो कौन सा इमेज हमको सबसे ज्यादा डिफाइनिंग लगेगा, कौन सा इमेज इस पूरी घटना को पूरी तरह से डिफाइन करता है? मुझे यकीन है कि ये मेडिकल क्राइसिस तो खत्म हो जाएगी और हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, लेकिन बहुत वक्त लगेगा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जो लोग चल रहे हैं, इसको हमको इंटरनलाइज करने में बहुत वक्त लगेगा। तो बात यह है कि इस पूरे दौर में हमको कौन सा इमेज सबसे डिफाइनिंग लगता है, कोई एक इमेज जो आपको लगता है कि इस पूरे ट्रेजिडी को एक छोटे से फ्रेम में इनकैप्सुलेट करके रख देता है। क्या उस बच्चे की जो सूटकेस पर बिल्कुल लटक कर जब उसकी माँ उस सूटकेस को आगे खींच रही है, क्या उस तस्वीर की, या उस बच्ची की जो शायद अपने वजन से ज्यादा या लगभग उसके करीब माथे पे ढोके एक लंबी यात्रा के लिए निकल गई है, पता नहीं कितनी लंबी होगी, या फिर आपको उस तस्वीर को लगेगा कि ये बहुत डिफाइनिंग है जिसमें एक माइग्रेंट्स के ग्रुप के ऊपर स्प्रे गन से डिसइंफेक्टेंट फेंका जा रहा है कि जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हैं, या फिर वो जो वीडियो आया है अभी हाल में कि हाईवे के बीचों बीच एक आदमी एक मरे हुए कुत्ते की मांस को खा रहा है। मैं जिन तस्वीरों की बात कर रहा हूं इसमें एक कॉमन थ्रेड या कॉमन कड़ी जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने घर लौट रहे थे। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां से ये लोग नहीं घर को लौट रहे थे। कौन है ये लोग, कब से वहां रह रहे थे जहां से वो लोग लौट रहे हैं, और ये कितने लोग हैं? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अभी ऐलान किया कि सरकार जो है 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना 2 महीने के लिए और देगी। तो सवाल ये है कि क्या 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स घर लौट रहे हैं? इससे पहले हिंदुस्तान में इतनी तादाद में ह्यूमन माइग्रेशन, सरकार जो 8 करोड़ का एस्टिमेट दे रही है, इससे पहले इस तरह का ह्यूमन माइग्रेशन स्केल पे सिर्फ 2 बार हुआ है। पहली बार 1947 में पार्टीशन के ठीक बाद, जब इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, करीब 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ था। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश बनने के पहले, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर अत्याचार कर रहे थे तो उससे भागने के लिए करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी हिंदुस्तान आ गए थे, भाग के चले आए थे। उस समय 12-7 शहर, बंगाल का एक शहर है, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर सिडनी शैनबर्ग। उन्होंने लिखा था, द टाउन इज स्वार्मिंग विद रिफ्यूजीज सो थिक इन द स्ट्रीट्स दैट कार्स कैन ओनली इंच। इन लोगों में से ज्यादातर जब बांग्लादेश आजाद हो गया और पाकिस्तान वहां से सरेंडर करके चली गई, तो उसके बाद ज्यादातर लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग रह गए। जो लोग रह गए उनकी कहानी कुछ अलग है, उसके बारे में कभी और हम बताएंगे। लेकिन आज के हिंदुस्तान में 2 सवाल अहम है। पहला कि हमारे देश में
माइग्रेंट लेबर कितने हैं, क्या हम एस्टिमेट लगा सकते हैं? दूसरा बड़ा सवाल, हिंदुस्तान में माइग्रेशन का सिलसिला कब से और कैसे चला आ रहा है? ये हैं हमारे दो अहम सवाल जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तमाम बातों के पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट को दोहराना चाहता हूं। भारत का संविधान हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गारंटी करता है आर्टिकल 19(1) के क्लॉजेस डी और ई के अंतर्गत। तो आते हैं सवाल पर, कितने माइग्रेंट्स हिंदुस्तान में हैं? इस सवाल के बारे में डेटा अलग अलग किस्म के हैं। अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से लगभग हमारे देश के वर्कफोर्स का 30% माइग्रेंट लेबरर्स हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 45 करोड़ से अधिक लोग माइग्रेंट्स थे। 2001 के फिगर्स के हिसाब से 31.5 करोड़ था और 1991 में 22 करोड़ था। इसका मतलब है कि 91 और 2011 के बीच के 20 साल के पीरियड में माइग्रेंट्स का नंबर लगभग डबल हो गया। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे जो 2016 और 2017 के बारे में बताता है, उसके हिसाब से 2011 और 2016 के बीच हर साल 90 लाख लोगों ने इंटरनली माइग्रेट किया, काम या तो काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। अगर रेट ऑफ माइग्रेशन 2016 के लेवल से ही चला आ रहा है अब तक, तो लगभग अभी हिंदुस्तान में टोटल करीब 54 करोड़ या 54 करोड़ माइग्रेंट्स का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो 136 हिंदुस्तानियों में करीब 40% माइग्रेंट हैं, मतलब अपने प्लेस ऑफ बर्थ से हटकर, जो उनका जो वहां पे रहते हैं, मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंस प्लेस ऑफ बर्थ से अलग है। इतने टेम्पररी इनमें टेम्पररी माइग्रेंट्स, सीजनल माइग्रेंट्स, सेमी परमानेंट माइग्रेंट्स और परमानेंट माइग्रेंट्स हैं। बहुत ऐसे हैं जो इंटरस्टेट माइग्रेशन करते हैं और बहुत ऐसे हैं जो इंट्रा स्टेट या अपने ही स्टेट में रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने माइग्रेंट्स किस कैटेगरी में फिट होते हैं, लेकिन अगर हमारे पूरे देश के 40% नागरिक अगर माइग्रेंट हैं, इतने बड़े नंबर में अगर मौजूद हैं, तो इसके बावजूद सरकार के एस्टिमेशन या एंटिसिपेशन में कि इतना बड़ा मास ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन होगा, इतनी बड़ी एस्टिमेशन की गलती कैसे हो गई? बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार या सबको ये पता है कि ज्यादातर माइग्रेंट कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। अवेलेबल आंकड़ों के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो भारत में 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन इसमें से टोटल माइग्रेंट्स के 25% सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट से ही निकलते हैं और 36 ऐसे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से 25% और निकलते हैं। तो लगभग ऐसा हम कह सकते हैं कि 50% के करीब नागरिक जो हैं हमारे 53 या 53 डिस्ट्रिक्ट से ही निकलते हैं। तो इनको मॉनिटर करना, इनको ट्रैक करना कि यहां से कहां जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। ये जो 53 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से भी 24 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बिहार से हैं, 2 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल और झारखंड से हैं, और बाकी उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र से एक एक करके जिले हैं जहां से मेजॉरिटी ऑफ, मतलब ज्यादा करके माइग्रेंट निकलते हैं। जाने के डेस्टिनेशन के बारे में भी लोगों को मोर और लेस पता है। दिल्ली एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, मुंबई और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी एक मेजर आकर्षण का केंद्र है। सूरत एक तरह से पूरा टेक्सटाइल और डायमंड का सेंटर है, वहां पे ह्यूज मात्रा में माइग्रेंट वर्कर हमेशा रहते हैं। गुजरात के और इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हैं। पंजाब में रूरल माइग्रेशन बहुत होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर को सस्टेन करने के लिए। केरल, जहां गल्फ में एक्सटर्नल माइग्रेशन की वजह से एक तरह से लेबर मार्केट में एक वैक्यूम आ गया है, वहां उत्तर से
पिछले 10-11 सालों में बहुत हेवी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है। इतने स्पेसिफिक डिटेल्स होने के बावजूद कि हमारे जो माइग्रेंट लेबर है वो कहाँ से और कहाँ के लिए निकल रहे हैं, इसके बावजूद वो हमारे सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी नेट के बाहर हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल माइग्रेशन के दूसरे पहलू पर कि हमारे देश में इंटरनल माइग्रेशन का सिलसिला कब से चला आ रहा है। ऐसे तो माइग्रेशन या फिर लॉन्ग जर्नीज हमारे माइथोलॉजी का हमेशा से हिस्सा रहा है। अब रामायण की ही बात देखिए, उसमें एग्जाइल और रिटर्न टू होम प्लॉट के इंटीग्रल एलिमेंट्स थे। बेशक 14 साल के लिए राम लक्ष्मण और सीता को एग्जाइल किया गया हो या वनवास के लिए भेजा गया हो, लेकिन ये शुरू से तय था कि उनको अल्टीमेटली लौटना है। एक तरह से तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन विमेन, खास तौर से जो शादीशुदा औरतें हैं, वो सब माइग्रेंट हैं, सब अपना पिता का घर छोड़ के मैरिड होम में जाके बस जाते हैं, जो अपने गांव में नहीं होता या अपने शहर में नहीं होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से। एक तरह से तो हम जो इंडियंस हैं, हम में से मेजॉरिटी हाइब्रिड है। एंशिएंट पीरियड में पता नहीं कितने माइग्रेशंस के हमको दौर देखने को मिले, कहां कहां से अलग अलग जगह से माइग्रेंट्स आके यहां बस गए। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम सब लोग जेनेटिक कॉकटेल, हमारे यहाँ के माइथोलॉजीज कैसे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच गए, अगर ह्यूमंस नहीं लेके जाते तो कैसे ये कहानियां उतनी दूर तक पहुंचती। न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।